एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफस्टाइल विद सहर में। व्यूवर्स, आज मैं आपको मीठा पराठा बनाना बता रही हूँ कि मीठा पराठा बहुत ही एक तो इजी होता है और झटपट बनने वाला होता है, और इसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जस्ट आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जस्ट चीनी चाहिए, आटा चाहिए और घी या ऑयल, वो आपकी मर्ज़ी है। ये अक्सर घरों में तब बनाया जाता है जब कुछ भी बच्चे ना खा रहे हों, तो उनको हम जल्दी से मीठा पराठा बना देते हैं। किस किस के घरों में ऐसा होता है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए चीनी, 2 पेड़े चाहिए। मैंने छोटे छोटे से 2 पेड़े कर लिए हैं क्योंकि हमने इसके अंदर चीनी को फिल करना है। और थर्ड, घी या ऑयल, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आप लाइक करते हों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, मैंने पेड़ा कर लिया था और मैंने इसमें, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पेड़े को बड़ा किया है और अब मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी को ऐड किया है, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पेड़ा डालूंगी। अब यहाँ मैंने एक और पेड़ा तैयार कर लिया है, ये पेड़ा मैं इसके ऊपर दूंगी। जी, मैंने इसके अंदर अब इसे ऐड करके पेड़े को बंद कर दिया है। अब मैं इसको बेल लेती हूँ थोड़ा सा। जी, मैंने पेड़े को अच्छे से गोल कर लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब मैं इसे तवे पे डालती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना गोल अच्छा लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। अब मैंने इसे तवे पे डाल दिया है, थोड़ा सा ज़रा मैं इसे अभी होने दूंगी, फिर इसको मैं पलट दूंगी। चीनी का पराठा किस किस को पसंद है और बचपन में कौन खाता था, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं इसे पलट देती हूँ। मैंने इसे अब पलट दिया है। अब मैं इसमें ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद हो आप उसे ऐड करें, मैं भी डालती हूँ इसमें। यहाँ जो मेरा पराठा है वो बन रहा है। मैं इसे पलटती हूँ। मैंने इसे अब पलट दिया है। मुझे तो ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, आपको जैसे भी पसंद हो आप उसे बनाएं। वैसे मुझे थोड़ा क्रिस्पी पसंद है। और एक बात और, पराठा हो या रोटी हो, प्लीज़ उसे आप तेज़ आंच पे बिल्कुल मत बनाएं। इससे एक तो वो कच्ची रह जाती है और दूसरा वो जल जाती है। ये थोड़ा सा क्रिस्पी मैंने खुद किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अच्छा बनता है पराठा, इसीलिए आप आंच को थोड़ा स्लो ही रखें, मीडियम स्लो पे आप बना सकते हैं। मैंने फिर इसे एक दफ़ा पलट दिया है ताकि जितना उसका कच्चापन है आटे का वो ख़त्म हो जाए। बस पराठा जो है वो रेडी हो गया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। मैं इसे एक दो दफ़ा पलटूंगी, अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरा पराठा तो हो गया रेडी और मैं तो अब अपना पराठा एंजॉय करती हूँ। आप सब भी ट्राई करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट वीडियो।